आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सोमवार को सांगोद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। भाजपा नेता एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल नागर की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। यहां भाजपा नेता नागर समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया और राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पुलिस एवं प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। धरने में भाजपा नेता हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को तानाशाही रवैया अपनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, विभागों में काम नहीं हो रहे और लोग चक्कर काटने को मजबूर हैं। इससे पूर्व क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता चैतन्य हनुमान मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। यहां से सभी हाथों में भाजपा के झंडे व समस्या लिखी तख्तियों के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। भाजपा नेता नागर ने आमजन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम अंजना सहरावत से चर्चा की और समस्याओं के निस्तारण की मांग रखी। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने झालरापाटन में हुई कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के मामले में दोषी लोगों की गिरफ्तारी एवं परिजनों को उचित मुआवजा देने समेत कई मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। पूर्व विधायक नागर ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में दोषी लोगों पर मॉब लिंचिंग की धाराओं में मामला दर्ज कर परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने कार्यकर्ता की जेब में रखे करीब 40,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया। मेहनत की कमाई चोरी हो गई तो कार्यकर्ता भी रोने लगा। इस पर मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर कार्यकर्ता के लिए राशि जमा की तथा शेष राशि भाजपा नेता नागर ने अपने स्तर पर कार्यकर्ता को उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद कार्यकर्ता को थोड़ी राहत मिली और चेहरा खिला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है, वो ईंट से ईंट बजा देगा। यहाँ के प्रशासन को यही चेतावनी देने के लिए आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसान भाई यहाँ पर आए हैं कि अगर प्रशासन ने अपना रवैया सुधारा नहीं, ठीक नहीं किया, चाहे वो बिजली विभाग में हो, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का महकमा हो, चाहे रेवेन्यू विभाग का महकमा हो, ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता की चुनी हुई सरकार का दायित्व होता है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम करे और अधिकारियों का भी दायित्व है कि आप भी जनभावना के अनुसार सत्य और सही काम करने का अपना रवैया अपनाएं। जो अभी अधिकारियों ने रवैया अपना रखा है और ये समझते हैं कि यहाँ की सरकार कुंदनपुर से चलती है तो वो भूल भलैया में नहीं रहने दे, सरकार यहाँ के अधिकारियों को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा अगर रवैया ठीक नहीं किया है। किसी बेचारे का गांव में कोई आपसी दो परिवारों में कोई कहासुनी हो गई और कहासुनी हो गई तो उसको समझाया जाता है, लेकिन यहाँ की पुलिस समझाती नहीं है, उसको पकड़ कर लाती है और बंद करती है और दो दिन करते वहां पर ये एसडीएम के यहाँ तहसीलदार के यहाँ बस उसको पेश नहीं करते। पेश करते हैं तो कुंदनपुर से फोन आ गया, उसकी जमानत नहीं लेना और वो जमानत नहीं लेने के नाम पर उससे प्रमाणित दस्तावेज मांगे जाते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि तुम्हारा हैसियत प्रमाण पत्र लेके आए जब तुम्हारी जमानत होगी। 3 साल पहले जो बिजली का एवरेज बिल या जो सालाना बिल आता था, आज उससे किसानों का बिल हो या हमारा घरेलू बिल हो, लगभग 2.5 गुना से 3 गुना बिल बढ़ गया और ये सरकार कहती है कि हमने कोई 5 साल में बिल नहीं बढ़ाया। आज की तारीख में सबसे ज्यादा हमारी अगर इस क्षेत्र के किसान भाई त्रस्त हैं तो इस बिजली महकमे से त्रस्त हैं। समय पर बिजली आती नहीं, 6 घंटे बिजली देने का ये वादा करते हैं, 8 घंटे बिजली देने की इन्होंने घोषणा की थी, अभी ये 6 घंटे देने के लिए कहते हैं और वो 6 घंटे भी बिजली नहीं आती है। किसान परेशान होकर के क्या करे, अगर उसकी फसल खेत में खड़ी है वो जलने के कगार पे है और उसने अगर सिंगल फेस करके मोटर को ज्यादा चला दिया तो उसको PCR भर दी जाती है, उसको बिल जो उसका बिल एवरेज हर वर्ष 15,000 रुपये आता था 50,000, 60,000, 70,000 रुपये आ जाता है। अधिकारी से बात करते हैं, ये अधिकारी कहते हैं
इसने सिंगल फेस करके मोटर को चलाया था, इसलिए इसका ज्यादा बिल आ रहा है। अरे भाई, तुम्हारा महकमा जब समय पर लाइटिंग दे रहा है, पूरी बिजली दे रहा है, राजस्थान सरकार ने घोषणा है 8 घंटे बिजली देने की, वो मिल नहीं रही तो किसान मरता क्या नहीं करता, वो निश्चित रूप से उसके सामने मजबूरी है। और इसी तरह से हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।